सेक्स कार्सिनोमा आ जाता है प्रोस्टेट का, इसे बोन लविंग ट्यूबर भी कहते हैं। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ मैन ओवर एज ऑफ 65 ईयर्स। ठीक है, और ये अपने आधे पेरिफेरल जोन में होता है। ठीक है, इसके बाद इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, इसमें क्या आ जाता है, एज के साथ इंक्रीज करता है, ब्लैक में ज़्यादा होता है, ब्लैक पीपल में इंक्रीज फैट इंटेक से एक रिस्क फैक्टर है, और पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री 4 टाइम्स इंक्रीज़ करती है रिस्क, और ज़्यादातर एडीनोकार्सिनोमा होता है, कार्सिनोमा प्रोस्टेट का। स्प्रेड जो है लोकल होता है, मेटोजीनियस और लिम्फेटिक होता है। जो लोकल है इसमें आ जाता है, लोकल कहाँ कहाँ होगा, सेमिनल वेसिकल में होगा, ठीक है, ब्लैडर का जो ब्लैडर की नेक में होगा, ट्राइगोन में होगा, ठीक है, और यूरेटरी ओपनिंग्स हैं इधर होगा, डिस्टल स्फिंक्टर में होगा, ठीक है, और रेक्टम में रेयर होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेशिया डिनोविलियर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हेमेटोजेनस स्प्रेड में, क्या है कि ये लोअर स्पाइन में ज़्यादातर जो है ना ये मेटास्टाइज करता है। इसके अंदर जो ये आपने निमोनिक याद रखना है, इससे आपने याद रखना है बोन्स इन्वॉल्व्ड इन ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सबसे पहले वर्टिब्रा है, देन P4 आ जाता है प्रॉक्सिमल फीमर, देन P4 पेल्विक बोन्स, T4 थोरैसिक रिब्स, S4 स्टर्नम एंड S4 स्कल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लिम्फेटिक में कौन कौन से आ जाते हैं, पैराओर्टिक लिम्फ नोड्स, सॉरी प्री सेक्रल लिम्फ नोड्स हैं, ओसी ऑब्ट्रेटर लिम्फ नोड्स हैं, इंटरनल इलेक और एक्सटर्नल इलेक नोड्स हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास आ जाती है स्टेजिंग आ जाती है, T0 नो ट्यूमर फाउंड, T1 में नो पैल्पेबल ट्यूमर। ठीक है, T1A में 5 सेंटीमीटर से कम होता है, ठीक है, T1B में 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, T1C में जो है क्या होता है इम्पैल्पेबल ट्यूमर होता है ऑन ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी। ठीक है, T2 में जो है प्रोस्टेटिक कैप्सूल इन्वॉल्व होता है, ठीक है, प्रोस्टेटिक कैप्सूल तक कन्फाइंड होता है। T2A में जो है हाफ लोब से कम होता है, बी में हाफ लोब से ज़्यादा, और सी में बोथ लोब्स। T3 में जो है कैप्सूल और सेमिनल वेसिकल जो है वो इन्वॉल्व होता है। T3A में आउटसाइड प्रोस्टेटिक कैप्सूल जो है वो कर जाता है मेटास्टाइज। T3B में सेमिनल वेसिकल इन्वॉल्व होता है। T4 जो है इसके A में ट्यूमर जो है फिक्स्ड होता है, एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व करता है, बी में इन्वॉल्व्स पेल्विक साइड वॉल्स। ठीक है, T1 नो पैल्पेबल, ए में जो है कम, बी में 5 से ज़्यादा, सी में क्या है इम्पैल्पेबल ट्यूमर है TIUS पे, और T2 में प्रोस्टेटिक कैप्सूल जो है इन्वॉल्व होता है, हाफ लोब हाफ से ज़्यादा बोथ लोब। T3 में कैप्सूल और सेमिनल वेसिकल, और T4 में जो है ये जेसन स्ट्रक्चर्स ए में और बी में पेल्विक साइड वॉल। जो क्लीसन स्कोरिंग है वो पैथोलॉजी वाली है, ठीक है, 4th ईयर।